शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आत्मरक्षा से प्रेरित खेलों का समावेश किया गया है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में दुर्ग विकास खंड के लगभग 25 स्कूलों से 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस खेल प्रतियोगिता के जरिए आत्मरक्षा से प्रेरित खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इन खेलों में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो आदि को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों द्वारा अपना पूरा दमखम लगाकर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी खेल आत्मरक्षा से प्रेरित हैं और इन्हें खेलकर विशेष तौर पर युवतियां अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है। सोमवार को इस खेल प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं को लेकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राध्यापिका ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी है। ये हमारे शाला कन्या शाला वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित है, जो कि 20 तारीख से शुरू हुआ है। 20 तारीख को बोवी नाम है ना, 21 तारीख को टांगिल म्यूडियो और 22 को और 24 को ताइक्वांडो का खेल आयोजित है। इसमें लगभग 25 से 30 शालाओं के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका जो प्रतियोगिता हो रहा है विकास खंड स्तरीय, और इसमें जो जीतेंगे वो जिला स्तरीय पर जाएंगे। और 6 और 7 को हमारी शालाओं में जो ताइक्वांडो का जो जिला स्तरीय का खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में आयोजित विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा रहा है एवं आत्मरक्षा से प्रेरित इन खेलों को खेलने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।